जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइड्स एंड टिकट में। मेरा नाम राज, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ नया। दोस्तों मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ मोटो E30। चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले आपको फोन देखने को मिल जाता है कवर के साथ में। दोस्तों इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों तो इसमें आपको पहले एक पोती पत्रा देखने को मिल जाता है, एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है और एक 10 वाट का चार्जर मिल जाता है विथ टाइप ए टू टाइप सी केबल के साथ में। तो चलिए सबको रखते हैं साइड में। दोस्तों बात करते हैं अपने फ़ोन की। दोस्तों ये देखिए, दिखने में काफ़ी बढ़िया सा लगता है, कवर के साथ में लगा हुआ है। तो कवर को भी इसको पहले निकाल देते हैं। ये देखिए, इसमें आपको एक कवर देखने को मिल जाता है साथ में। मोटो का एक अच्छा काम है कि कवर कम से कम साथ में देता है, कवर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए कवर को भी इसको रख देते हैं साइड में और देखते हैं इसका फर्स्ट लुक। ये देखिए दोस्तों, देखने में काफ़ी बढ़िया सा लगता है। ऐसा कंपनी ने मेंशन किया है दोस्तों, स्लिम लाइट एंड स्टाइलिश, वैसे देखने में लगता है। काफ़ी लाइट वेट है दोस्तों, 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद भी दोस्तों काफ़ी लाइट वेट है। 179 ग्राम का आपको ये फ़ोन देखने को मिलता है और IP52 की रेटिंग आपको इसमें मिल जाती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। बट हाँ, इसे जल जीवन से जितना दूर रखेंगे उतना ही इसकी सेहत के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर इसके बॉडी की बात करें तो ये आता है प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ में। पीछे आप देखेंगे तो आपको पीछे सिंगल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है विद LED फ्लैश के साथ में। तो ये मोटो वाले ने अच्छा काम किया, फालतू में 2 MP का कैमरा ऐड नहीं किया है, सिंगल कैमरा दिया है, बढ़िया किया है। साइड में आपको ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर आपको वॉल्यूम बटन, और नीचे की बात करें तो आपको स्पीकर ग्रिल टाइप सी पोर्ट और माइक देखने को मिल जाता है। टॉप की बात करें दोस्तों तो आपको टॉप पे एक 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। दूसरी साइड में आपको एक सिम ट्रॉली देखने को मिल जाता है जिसमें आप 2 SIM कार्ड और 1 memory card लगा सकते हैं। इसमें आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया हुआ है, तो आप आराम से 2 SIM कार्ड और 1 memory card लगा सकते हैं, और 1 memory card लगा के इसकी स्टोरेज को 1 TB तक आप बढ़ा सकते हो। चलिए फटाफट इसके रैपर को भी निकाल देते हैं। दोस्तों ये देखिए, इसमें आपको 6.5 inch का नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों बेजल्स भी उतने ज़्यादा कम नहीं बोलूँगा, बट हाँ ठीक ठाक है। बेजल्स नीचे थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए फटाफट इसको बूट कर लेते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम इसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फोन हमारा चालू हो चुका है। फ्रंट में आपको कंपनी ने कोई भी मेंशन नहीं किया कि कौन से गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी हुई है, तो दोस्तों मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अच्छी क्वालिटी का ग्लास जरूर यूज कीजिए, सेफ्टी के तौर पर हो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.5 inch की HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोस्तों तो काफ़ी बढ़िया है, IPS पैनल दिया हुआ है। TFT डिस्प्ले के मुकाबले IPS पैनल काफ़ी बढ़िया होता है। दोस्तों कलर वगैरह काफ़ी बढ़िया आपको देखने को भी इसमें मिलेगा। इसमें आपको 500 nits की पीक ब्राइटनेस दी हुई है दोस्तों, तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे तो आप इंडोर में यूज करो चाहे तो आउटडोर में यूज करो। बट हाँ, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में यूज करो, डायरेक्ट सनलाइट आपके डिस्प्ले पे आ रही है दोस्तों, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो सकती है, लो फील हो सकता है दोस्तों, क्योंकि 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है तो लो फील हो सकता है, उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं बोलेंगे। बट हाँ, अगर आप छांव वगैरह में हो तो कोई भी आपको दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिलेगी इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस को लेकर। तो इसमें आपको एक सिंगल स्पीकर मिलता है बट डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ में आता है, तो स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है दोस्तों, लाउड भी और एकदम क्लियर देखने को मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको प्ले करके भी दिखा देते हैं। चलिए बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। इसमें आपको इनोसॉक का T606 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, ऑक्टाकोर 1.6 GHz के साथ में आता है दोस्तों, जो कि रन करता है एंड्रॉयड 13 पे। इसमें आपको लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 13 मिलता है दोस्तों, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है एंड्रॉयड 13 का, तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। इसमें आपको नियर स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है दोस्तों, मोटो का स्टॉक एंड्रॉयड। फालतू को कोई भी एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट इस बार मोटो वाले ने इसमें एक आपको जियो का एप्लीकेशन डाल के दिया है, जो कि अगर आप जियो का सिम कार्ड इसमें अगर फर्स्ट टाइम सेटअप करते हो तो आपको 700 रुपये का कैशबैक मिलता है, जो अगर देखने जाएंगे तो इसका प्राइस 6300 में आपको पड़ जाता है। तो अगर जिस भाई को लेना है तो इसमें जियो का सिम कार्ड, आप नया सिम कार्ड डालेंगे तो ही होएगा, जूना सिम कार्ड पे ऑफर अप्लाई नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। इसमें आपको मेन कैमरा 30 MP का मिल जाता है दोस्तों, और फ्रंट में आपको 5 MP की सेल्फी मिल जाती है। तो चलिए इसी के हमने मेन और फ्रंट कैमरे से अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में फोटो कैप्चर किए दोस्तों, जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये मोटो का बजट स्मार्टफोन का कैमरा।
तो चलिए अब बात करते हैं इसके बैटरी की। इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है दोस्तों। 10 W का आपको चार्जर देखने को मिलता है, जो कि आपका 2.5 से 3 घंटा लग जाता है फोन फुल चार्ज होने में। बट दोस्तों आपको एक बार फुल चार्ज कर लिया तो आपको 1 से 1.5 दिन तक बैटरी पिकअप इसमें आराम से मिल जाता है मोटो का। क्योंकि दोस्तों मोटो के मैंने जितने भी फ़ोन यूज़ किए अभी तक, मैंने देखा है कि बैटरी पिकअप मोटो का काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। जितने भी फ़ोन अभी तक मैंने यूज़ किए, मोटो का जो बैटरी पिकअप है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। आप कितना हैवी भी यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका दिन भर बैटरी पिकअप आराम से चलता है। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो आपका 1 से 1.5 दिन तक बैटरी इसमें आपको बैकअप आराम से मिल जाता है। तो बैटरी से लेकर आपको कोई भी दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। दोस्तों एक बेसिक सा फ़ोन है। अगर आप एक ऐसा फ़ोन देख रहे हो, आपको ज़्यादा हैवी यूज नहीं करना है, नॉर्मल मल्टीमीडिया वगैरह फेसबुक व्हाट्सअप ये सब यूज करना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं दोस्तों, आप इसे बाय कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया वर्क करता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना दोस्तों, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।